क्या चाल है दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने हेलमेट पे जो है अपने एक्शन कैमरे को कैसे माउंट कर सकते हैं और सबसे सही तरीका माउंट करने का क्या है। वैसे तो अलग अलग तरीके से लोग पार्क माउंट करते हैं, पर मुझे जो सबसे सही तरीका लगता है वो क्यों लगता है, वो सारी चीजें हम वीडियो में कवर करेंगे, वो सारी चीजें बताएंगे। तो देखिए, ये हमारे पास हेलमेट है और इस तरह का जो है एक ये रबर का स्ट्रैप आता है, तो आप इस तरीके से जो है हेलमेट को माउंट कर सकते हैं। तो पूरी जो किस तरीके से माउंट होता है ये, वो देखने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो प्लीज पूरी वीडियो देख लीजिए और हम देखिए ये दिखा देते हैं किस तरीके से माउंट किया हुआ है। जो ये हमने माउंट किया हुआ है वो आप देख सकते हैं, ये जो है ये रिमूवेबल है, ये रिमूव भी हो जाता है, ये हट भी जाता है। और बाकी जो है आप वीडियो में देखिए हमने किस तरीके से इसको माउंट किया है। तो वीडियो पर बने रहिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। तो आज हम आपको माउंट करना सिखाएंगे हेलमेट पे जो है आप अपने एक्शन कैमरे को कैसे माउंट कर सकते हैं, अपने एक्शन कैमरे को किस तरीके से माउंट कर सकते हैं। देखिए, इसमें दो तीन ऑप्शंस होते हैं जो जहाँ तक मुझे पता है। पहला ऑप्शन क्या होता है कि आप कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक होल करा लेते हैं रील मशीन से या किसी भी चीज से, तो उसमें क्या होता है कि वो बोल्ट खिंचवा लेते हैं और अपना जो है इस तरह का कोई भी जो माउंट होता है उसको सेट कर देते हैं। वो सही नहीं है, क्योंकि जब बोल्ट आपके यहाँ अंदर आ जाता है वो आपके फेस पे लगने का खतरा होता है। कभी भी वो तरीका सही नहीं है, मुझे नहीं लगा। सेकंड तरीका क्या होता है, सेकंड तरीका ये है कि जो माउंट आते हैं वो यहाँ पे चिपक जाते हैं, यानी कि किसी भी चीज से वो चिपका लेते हैं उनको। पर उस वो तरीका भी मुझे सही नहीं लगा। वो तरीका इसलिए सही नहीं लगा क्योंकि वो कभी भी छूट सकता है। आपका 25-30-40 हज़ार रुपए का जो कैमरा है, जो भी जो सा भी आप यूज करें, तो वो अगर छूट के गिर गया वो, कुछ ऐसी दिक्कत हो गई, तो वो फिर आपका कैमरा खराब हो जाता, बेकार हो जाता। तो वो सेफ्टी पर्पज से, कैमरे की सेफ्टी पर्पज से सही नहीं है। तो मुझे सबसे सही तरीका क्या लगा कि आप इस तरह का कोई भी प्लेन हेलमेट यूज कर सकते हैं। देखिए, मेरे पास ये जो है ये एक हेलमेट है, तो आप इस तरह का कोई भी हेलमेट यूज कर सकते हैं, नॉर्मल, ज्यादा महंगा भी ना लें तो नॉर्मल ले लें। और एक इस तरह का स्ट्रैप आता है, ये रबर का होता है, जो इसकी क्वालिटी है ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी में आप लें, इसमें कोई भी लालच ना करें, तो इस तरह का जो है वो आप ले सकते हैं। और ये जो है ये यहाँ पर इस तरीके से माउंट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो है यहाँ पर ये क्लिप है, तो इसमें जो है ये क्लिप लग जाती है, देखिए मैं, और एक ही अलग सा था। इसमें आप कोई भी जे माउंट या कोई भी वो लगा सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये निकल जाता है, देखिए, कोई भी आप कोई भी माउंट इसमें अलग से फिट कर लेते हैं। इस स्टेप में जो है, जो ये रबर की स्टेप आती है, इसमें दो क्वालिटी आती है। एक तो होता है कि जिसमें फिक्स होता है, तो फिक्स वाला ना लेके आप ये वाला ले लें, रिमूवेबल वाला, जो भी आप कोई भी माउंट लगा सके। इसको जो है इसको इस तरीके से यहाँ पर जो है इनमें पिन में फिट करना होता है, जो इसकी जो क्लिप है उसमें फिट करने के बाद आप अपने एक्शन कैम को यहाँ पर माउंट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, तो इस तरीके से आप माउंट कर सकते हैं और अपने माइक को भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। तरीके से माउंट हो जाता है पूरा, और इसको हम रिमूव करेंगे, इसकी जो ये है बोल्ट है, तो इसको रिमूव करने के बाद हम इसको यहाँ पर फिट कर देंगे। ऐसे इस तरीके से फिट करने के बाद क्या होगा, हम इसको जो है थोड़ा टाइट कर देंगे, आपको ये थोड़ा सा सही तरीके से ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि कैमरा कहीं लूज ना हो जाए, गिर ना जाए। तो इस तरीके से आप इसको माउंट करके जो है अपना जो है मोटो व्लॉगिंग का सेटअप बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका एक्शन कैमरा जो माउंट हो जाता है, आप इसका एंगल वगैरह सेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, पूरा मैंने आपको ये दिखाया कि, और सबसे सही तरीका है, इसमें ये जो है ये फीता जो है ये पूरा टाइट हो जाता है और ये आपका गिरेगा भी नहीं, कोई टूट के गिरने वाला भी नहीं है, ये छूटेगा भी नहीं, ये जैसे छूट जाए तो वो भी नहीं है, ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है। और वाइजर भी आपका क्लोज हो जाता है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है, वो सारी चीजें जो है ये सेट हो जाती है। ये आप जो है मोटो व्लॉगिंग के लिए अपना सेटअप बना सकते हैं। अब
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए, बाकी लाइक कर दीजिए, और जो है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए।